हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो अपनी स्किन को मैं सबसे पहले ही करूँगी टोनर अपने, तो मैंने लिया है गुड वाइब्स का मलबरी टोनर और 2-3 सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी एंड देख सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने लिया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है और ये बहुत ही अच्छा नॉन स्टिकी है तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। तो नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन वाला है ये। इसके बाद मैं ले रही हूँ कवर स्टूडियो की पैलेट से ऑरेंज करेक्टर एंड जहाँ पर भी मेरे जो डार्क एरियाज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। एंड बहुत ही अच्छी पैलेट है ये, जिसका मैंने रिव्यू भी दिया है और डेमो भी दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी एंड बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी आई होप। तो मैंने इसे ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर, मतलब जहां भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क एरियाज हैं, स्प्रेड कर लिया है अच्छे से और मैं इसे वेट ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। पूरा ब्लेंड हमें नहीं करना है जिससे कि डार्क स्पॉट दोबारा से नज़र आने लगे। दैन सेम पैलेट से मैं ले रही हूँ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और जो कि मेरी स्किन से एक टोन थोड़ा सा डार्क होगा ताकि मेरा जो फेस है वो बहुत लाइट दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा वाइट दिखने लग जाता है अगर मैं कोई फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। सो मैंने एक टोन लाइट लिया है, डार्क लिया है सॉरी। सो उसे मैं वेट ब्लेंडर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ, अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, नेक एरिया पर भी एंड फोर हेड पर, पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाती है एंड बहुत ही अच्छी पैलेट है। एंड सेम पैलेट से ही मैं लूँगी कॉन्ट्योर, तो कॉन्ट्योरिंग के लिए मैं इसी पैलेट से लूँगी और इसमें आपको मिलते हैं 4 करेक्टर, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड आपको 3-2 कंसीलर और फाउंडेशन मिलते हैं और एक ऑरेंज करेक्टर भी मिलता है। बहुत ही अच्छी पैलेट है ये। सो मैं अपनी जो कॉन्ट्यूरिंग करूँगी वो थोड़ी सी ज़्यादा करने वाली हूँ बिकॉज मेरा आप देख सकते हैं चबी चीक्स हैं, चबी फेस हैं एंड दीपिका पादुकोण जी का बहुत ही पतला सा फेस है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्यूरिंग करने वाली हूँ और ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, देन वेट ब्लेंडर से मैं इसे कर लूँगी ब्लेंड। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और कंसील करूँगी मैं जहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी नीड है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट शेड मैं ले रही हूँ। सो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अपने फेस को, तो इसे भी मैंने अप्लाई कर लिया है, देन वेट ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैं लूँगी फेस को सेट करूँगी, ब्लू हेवन का ट्रांसलूशन पाउडर है और इसे मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है सिर्फ वहीं, आप पूरे फेस पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाइट वेट पाउडर है ये, सो सुपर लाइट पाउडर है, इसे आप डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर की पैलेट, उसका इसे मैं ब्राउनजिंग करूँगी एंड थोड़ी सी डार्क ब्राउनजिंग करने वाली हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ब्राउनजिंग करूँगी ताकि थोड़ा सा मेरा फेस एक स्ट्रक्चर मिल जाए मेरे फेस को पतला सा, एंड नोज़ को भी थोड़ा शार्प करना है। तो यहाँ पर मेरी ब्राउनजिंग हो गई है। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ब्लशर, सो ब्लशर बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई था उनके फेस पर, सो स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट लिया मैंने, ब्लशर एंड हाइलाइटर, उसका सबसे कम शेड है जो बहुत ही ज़्यादा लो शेड वाला मैंने ब्लशर यूज़ किया है, बिल्कुल लाइट कलर का। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी स्विस ब्यूटी की आईब्रो डिफाइनर के साथ एंड ब्राउन शेड में इसका यूज़ करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ब्राउन शेड में लूँगी एंड फिल करूँगी अपनी आईब्रोज़ को एक शेप देते हुए एंड कंप्लीट करूँगी अपनी दोनों आईब्रोज़ को स्विस ब्यूटी के आईब्रो डिफाइनर के साथ। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेरी क्रेजी गर्ल की पैलेट से ब्राउन शेड, जो कि थोड़ा सा ब्राउन शेड उन्होंने अपनी आईलिड के ऊपर की तरफ अप्लाई किया था एज ए ट्रांजिशन शेड,
थोड़ा सा नज़र आ रहा था, बाकी फुल आईज़ तो ब्लैक कलर की ही थी। तो इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी दोनों आईज़ पर, आईलिड की और कट क्रीज एरिया क्रीज से ऊपर की तरफ। दैन उसके बाद मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का लाइनर, और जो हमारी वाटर लाइन है उसके नीचे की तरफ से थोड़ा सा इस तरीके से एक लेयर जाते हुए यहाँ से एक शेप दूंगी मैं लाइनर से पतली सी। सो एक मैं शेप दे दूंगी ताकि मेरे को इजी रहे कहाँ तक मुझे अपना ब्लैक एरिया जहाँ लगाना। तो मैंने दोनों आईज़ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ जेल लाइनर जो कि है स्टे क्विकी का, एंड ब्रश की हेल्प से मैं इसे फिल करूँगी। तो बहुत ही स्मूथ लाइनर है ये, और अच्छे से क्लियर करते हुए अपने ऊपर वाली लाइन को मैं इसे फिल कर लूँगी पूरे एरिया में इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों आईज कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने आईब्रो डिफाइनर से ब्लैक कलर लिया, अगर आपके पास ब्लैक शेडो है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक आईब्रो डिफाइनर से मैं यूज़ कर सॉरी आईब्रो डिफाइनर से मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ पर, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, पूरी मैट हो जाए। तो इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पर जहाँ भी मैंने ब्लैक जेल लाइनर यूज़ किया है वहाँ पर सेट कर दूँगी पाउडर आई शेडो के साथ। इसके बाद जो लोअर लैश वाटर लाइन पर मैं सेम ब्रश की हेल्प से जो भी बचा हुआ मेरे पास प्रोडक्ट है उससे मैं एक पतली सी लेयर लगाऊंगी अपनी आईज़ में एज अ काजल, बिल्कुल बिल्कुल खाली खाली थी, ज़्यादा नहीं था। सो इसके बाद मैं लूँगी आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर, और हल्का सा ही मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगी वाटर लाइन के नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। सो हल्का सा ही ड्रॉ करने वाली हूँ मैं। इसके बाद जो भी डस्ट आउट हुआ था सो उसे रिमूव कर दिया है मैंने अपनी ब्रश की हेल्प से। दैन मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए अपर एंड लोअर लैशेस पर। तो यहाँ पर मैंने लगा ली हैं आई लैशेस, दैन मैंने लिया है हाइलाइटर। सो हाइलाइटर बहुत ही अच्छे से अप्लाई किया गया था। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कलर स्क्रीन का हाइलाइटर, और हाइलाइट करूँगी मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स को नोज़ पर, चीक्स पर, तो सभी एरियाज़ पर मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। तो यहाँ पर लिपस्टिक का शेड कुछ समझ नहीं आता, तो मेरे पास है एक रेनी की लिप ग्लोस जो कि बहुत ही न्यूड शेड में है, एक है हुडा ब्यूटी का न्यूड कलर, और ये है स्टे क्विकी का। सो मैं तीनों अप्लाई करके देखूँगी, जो भी मुझे सूट करता है मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं लूँगी स्टे क्विकी का ये शेड, तो ये थोड़ा सा पिंकिश है हल्का सा, तो मैं चाह रही थी ये लगाना, बट इसके बाद मैंने लगाया है रिनी का लिप ग्लोस जो बहुत ही न्यूड शेड में है, तो ये थोड़ा सा मैच करता, बट टिश्यू की हेल्प से मैंने इसे और ज़्यादा लाइट कर लिया। तो यहाँ पर मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। सो ये है मेरा कंप्लीट मेकअप लुक। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपनी मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।